हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक ईडियो वर्ल्ड। दोस्तों आज मंडे है, मंडे है तो एक्सेल का वीडियो होगा और आज एमएस एक्सेल में हम सीखेंगे फॉर्मूला मेन्यू में डिफाइंड नेम ब्लॉक का उपयोग करना। दोस्तों एक्सेल का बहुत मज़ेदार फीचर है और बहुत ज़्यादा काम में भी आता है। इसका यूज़ जो होता है वो होता है फॉर्मूलेज में होता है, शॉर्टकट तरीके से फॉर्मूलेज लगाना। मान लीजिए हमारे पास एक कॉलम है इंग्लिश का, ये थोड़ा सा रिकॉर्ड मैंने लिया हुआ है। अब मुझे इंग्लिश के अंदर मैक्सिमम नंबर निकालना है, मिनिमम निकालना है, एवरेज निकालनी है या कोई और दूसरा फॉर्मूला लगाना है, तो इसकी रेंज हम बार बार देंगे फॉर्मूले के अंदर। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक करता हूँ, इक्वल करके सम करता हूँ, मैक्स निकालता हूँ, मैक्स ब्रैकेट और फिर मैं यहाँ रेंज दी, क्लोज किया, एंटर किया, ये मैक्सिमम नंबर इसने बताया 88 है। बट अगर मेरे पास इसमें 200-400 रिकॉर्ड हों, 2000-4000 रिकॉर्ड हों, ज़्यादा हों, तो क्या मैं रेंज बार बार सेलेक्ट करूँगा क्या? अभी मैंने मैक्सिमम निकाला है, फिर मैं मिनिमम भी निकालूँ, फिर मैं एवरेज भी निकालूँ या फिर और कोई फॉर्मूला लगाऊँ, तो हर बार हमें रेंज थोड़ी देनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, डिफाइन नेम ब्लॉक का यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हम किसी भी फॉर्मूले में डायरेक्ट कॉलम नेम दे के उसका उपयोग कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। जैसे इक्वल करके मैंने यहाँ पे लिखा, भाई मेरे को मिनिमम नंबर निकालना है, MIN ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ रेंज नहीं देनी है आपको, कॉलम नेम क्या है, ENG, तो आप यहाँ पे कॉलम नेम टाइप कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए, ये दीजिए मिनिमम नंबर आ गया, है ना आसान। तो ये काम होता है डिफाइन नेम ब्लॉक का जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप ये सीखना चाहते हो मेरे साथ बने रहिए एंड तक। और अगर दोस्तों आपने इससे पहले टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, पेज लेआउट है, इंसर्ट है, होम है, तो आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में मिल जाएंगे। चैनल पे जाओगे वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाके आप स्पेशल प्लेलिस्ट है हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पे काफ़ी सब्जेक्ट रनिंग में है, तो आप एक्सेल की प्लेलिस्ट सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पे जाके आपके सारे एक्सेल के वीडियोज़ आपको दिखाई देंगे, जो आपको पढ़ना है आप वहाँ से पढ़ सकते हो। दोस्तों एक बार चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए, अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं एक कॉलम आपको ऐड करके दिखाता हूँ। हमें किसी भी कॉलम को उसके नेम से फॉर्मूला में यूज करना है तो डिफाइन नेम ऑप्शन का हमें यूज करना ही पड़ेगा। मान लीजिए मुझे फिजिक्स वाला जो कॉलम है इसको ऐड करना है, इसको इसके नेम से फॉर्मूले में यूज करना है। कहीं भी मैं इस कॉलम पे कोई फॉर्मूला लगाऊं तो डायरेक्ट मैं लिखूं PHY, मैं रेंज ना सिलेक्ट करके इसका नेम लिखूं और वो वर्क करे। चलिए सबसे पहले हमें इसको सिलेक्ट करना है, मैंने इसको पूरा सिलेक्ट किया इतना, उसके बाद जाना है आपको डिफाइन नेम पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडो खुली छोटी सी और वहाँ पे लिखा हुआ है न्यू नेम। ओके, नेम वाला जो ब्लॉक है वहाँ पे लिखा हुआ PHY, जो कि यहाँ पे नेम था, जो आपने रेंज सेलेक्ट की है ना उसमें जो सबसे पहला वाला सेल होता है उसका नेम यहाँ मिलेगा आपको, इसीलिए आप नेम से सिलेक्ट कॉलम जो नेम होगा ना, कॉलम नेम से सिलेक्ट करना है आपको, ताकि कॉलम नेम पहले सेल में आ जाए और वो पहले सेल में जो कॉलम नेम लिखा होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाए। उसके बाद ये कह रहा है स्कोप, कि ये जो आप यहाँ ऐड करोगे इसका स्कोप क्या होगा, आप इसी सीट पे इसको वैलिड रखना चाहते हो, सीट 2 पे रखना चाहते हो, 3 पे रखना चाहते हो या पूरी की पूरी वर्कबुक पे रखना चाहते हो। तो हाँ, अगर आप चाहते हो कि इसको फिजिक्स को PHY हम कहीं भी लिखें, किसी भी सीट पे लिखें, तो ये काम करे, तो आप इसको वर्कबुक पे कर लीजिए। अगर आप चाहते हो केवल जो ये सीट 7 है जो अभी सिलेक्टेड है केवल ये इसी पे काम करे, तो यहाँ से आप सीट 7 सेलेक्ट कीजिए। तो मैं इसको वर्कबुक कर लेता हूँ। कमेंट्स में आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हो, जो भी कुछ लिखना है आपको अपनी याद के लिए, जो भी लिखना है। यहाँ रेंज इसकी ऑटोमेटिक आई जाती है जो हम सिलेक्ट करते हैं, बस आपने कुछ नहीं करना, ओके करना है। ओके करते ही होगा कुछ नहीं, ये ऐड हो गया है, ये ऐड हो गया है। अब जब यूज इन फॉर्मूला, ये नीचे ऑप्शन दे रखा है एक डिफाइन नेम के नीचे, यूज इन फॉर्मूला, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ देखो PHY ऐड हो गया है। अब आप कोई फॉर्मूला लगाइए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल करके मैक्स, मैक्सिमम नंबर निकालते हैं किसका, फिजिक्स का, तो यूज इन फॉर्मूला में क्लिक कीजिए और PHY पे क्लिक कर दीजिए, ये PHY यहाँ लिखा हुआ आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये लीजिए फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम नंबर आ गया 88, ये इसके अंदर मैक्सिमम।
अगर आपको फिजिक्स का मिनिमम नंबर निकालना है तो सिंपल आप फॉर्मूला लगाइए इक्वल एम आई एन ब्रैकेट स्टार्ट, या तो आप यूज इन फॉर्मूला में जाके फिजिक्स पे क्लिक कर दीजिए, या फिर सिंपली आप कीबोर्ड से टाइप कर दीजिए पी एच वाई ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दीजिए, ये रिजल्ट आ गया मिनिमम नंबर फिजिक्स का। ये रेंज सेलेक्ट करने का झंझट ही खत्म है। पर दोस्तों एक बात याद रहे, जितनी रेंज आपने ऐड की है ना उतना ही काम करेगा। अगर नीचे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 100 और उसके बाद नीचे मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, तो ये जो रिजल्ट आपका यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये इन सेल्स का नहीं दिखाएगा, ये केवल उन सेल्स का दिखाएगा जिनको सिलेक्ट करके आपने ऐड किया था। अभी नेम मैनेजर इसीलिए यूज किया गया है यहाँ पे ताकि हम इसको मैनेज कर पाए, वो मैं बताऊंगा आपको। चलिए देखते हैं नेम मैनेजर का हम यूज कैसे करेंगे। तो नेम मैनेजर की हेल्प से हम जो नेम हमने डिफाइन किए हैं उनमें एडिट कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, या न्यू नेम डिफाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, नेम मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी नेम आपने डिफाइन किए हैं, कॉलम ऐड किए हैं या रो ऐड किए हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिलहाल मैंने एक ही ऐड किया है पी एच वाई के नेम से, तो यहाँ पे आपको एक ही दिखाई देगा। अगर आपको ये पी एच वाई आपको जो नेम डिफाइन किया है इसको डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करके डिलीट बटन दबाना होगा। अभी डिलीट और एडिट हाईलाइट नहीं है क्योंकि आपने कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब आप इसको डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, नया आप ले ही सकते हो। एडिट करके देखते हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका नेम चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो नेम आपका कॉलम का नेम है वही नेम आप यहाँ रखो, बट जो नेम आप यहाँ पे दोगे उसी नेम से फॉर्मूला काम करेगा, उसी नेम से आप उसको फॉर्मूले में ऐड कर सकते हो। मोस्टली हम वही नेम देते हैं जो हमारे कॉलम का नेम होगा। अगर आप यहाँ पूरा पी एच वाई एस आई सी एस मैंने फिजिक्स लिख दिया पूरा, अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो आप नेक्स्ट टाइम कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो वहाँ पे आपको पूरा फिजिक्स लिखना पड़ेगा, पी एच वाई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जिस नेम से उसको ऐड करोगे उसी नेम से फॉर्मूले में आपको उसको देना पड़ेगा। चलिए मैं इसको वही रख लेता हूँ पी एच वाई। उसके बाद नीचे कमेंट्स में आप कोई एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और यहाँ नीचे आप देखोगे रेंज इसकी है। इस रेंज में जैसे ही क्लिक किया आपने तो उसने रेंज बताई कि भाई इतनी रेंज है इसके अंदर। अब मैं एक काम करता हूँ, जो नीचे मैंने दो सेल लिए ना इनको भी मैं इसकी रेंज में ऐड कर देता हूँ। तो इसकी रेंज हम फिर से सिलेक्ट कर देंगे, मैंने इसकी रेंज फिर से सिलेक्ट कर दी, इसको ओके करेंगे तो यहाँ एक मैक्सिमम का और मिनिमम का फॉर्मूला मैंने लगाया था। यहाँ फिजिक्स का मैक्सिमम है और यहाँ फिजिक्स का मिनिमम है। फिलहाल ये जब दोनों फॉर्मूले लगे थे तो ये रेंज कितनी थी, केवल यहाँ तक थी 88 तक, और ये जो 88 रिजल्ट आ रहा है ना ये इसी रेंज का आ रहा है, क्योंकि इस रेंज के अंदर 88 तक 88 ही मैक्सिमम है। अब इसकी रेंज मैंने ज़्यादा कर दी यहाँ तक, तो अभी इस रेंज के अंदर मैक्सिमम 121 है। इसको ओके कर देते हैं, क्लोज करने के बाद देखते हैं यहाँ पे 121 आ गया, क्योंकि जो फॉर्मूला अब काम कर रहा है वो पूरी रेंज पे काम कर रहा है, क्योंकि हमने जो नेम डिफाइन किया था उसकी रेंज को एडिट कर दिया है। तो ये है नेम काम नेम मैनेजर का, जिसकी हेल्प से हम आसानी से जो नेम हमने डिफाइन किए हैं उनमें एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर न्यू नेम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए मैं न्यू नेम डिफाइन करके आपको बताता हूँ। क्लिक करेंगे न्यू पे, अब यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ देनी है नीचे रेंज। मान लीजिए मैं देता हूँ मैथ को, मैंने यहाँ मैथ की रेंज सेलेक्ट कर दी, और नेम में आप इसका नेम लिख दीजिए मैथ एम ए टी एच। उसके बाद कमेंट्स में जो आप लिखना चाहो वो लिख दीजिए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ देखिए दो आ गए आपके, मैथ भी आ गया और फिजिक्स भी आ गया। अब इन दोनों में से किसी को भी आप फॉर्मूले में यूज कर सकते हो। जैसे मैं मैथ पे लगाता हूँ, इक्वल करके आप यहाँ लिखते हो क्या लिखूँ, मैक्सिमम ही निकाल दूँ, इक्वल मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद या तो आप डायरेक्ट मैथ टाइप कर दीजिए या यूज इन फॉर्मूला में जाके मैथ पे क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ से इस पे क्लिक कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए मैथ के अंदर मैक्सिमम 88, यहाँ भी मैक्सिमम 88 ही है। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपने ये डिलीट करने हैं, अच्छा अगर आप यहाँ से नेम मैनेजर में जाके मान लीजिए मैथ को मैंने डिलीट कर दिया
और इसको ओके कर दिया तो क्लोज करेंगे तो यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में हमने दिया हुआ मैथ और मैथ नेम से कोई रेफरेंस ऐड नहीं है, तो इस वजह से एरर आएगा। अगर आप नेम मैनेजर के अंदर से जाके डिफाइन नेम डिलीट करते हो तो जिन फॉर्मूलेज के अंदर वो आपने यूज़ किया होगा वहाँ पे एरर आ जाएगा। अब एक ऑप्शन रह गया क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, अगर हमें एक एक करके ऐड करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सबको। अगर हमें एक एक करके ऐड करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे, फिर डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे, फिर अगला सिलेक्ट करेंगे, फिर डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे, फिर अगला, एक एक करके हम ऐड करेंगे। फिलहाल एक ऑप्शन मैं आपको और बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, एक ही बार में सारे ऐड करने के लिए। पहले काम करते हैं, सारे हटा लेते हैं। नेम मैनेजर के अंदर से मैंने फिजिक्स को भी डिलीट कर दिया, अब मैं इनको ऐड कर लेता हूँ सभी को। तो आपने एक काम करना है, ये रेंज मैंने ले ली इतनी, मुझे क्या करना है इस रेंज के अंदर सभी को ऐड करना है। तो आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपके जो नेम है वो नेम कहाँ है इस रेंज के अंदर, ऊपर वाली रो के अंदर है, लेफ्ट कॉलम में है, बॉटम रो में है, राइट कॉलम में है, कहाँ है? तो हमारे जो नेम है वो है टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो, जो रेंज हमने सिलेक्ट की है ना, इसमें सबसे ऊपर वाली रो में हमारे नेम है, ठीक है। टॉप रो पे यहाँ पे क्लिक है पहले से ही, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद कुछ नहीं होगा, आप यूज इन फॉर्मूला में जाके देखिए, यहाँ पे सारे आ गए ना सारे। अब किसी को भी आप फॉर्मूले में यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपको केमिस्ट्री यूज करना है, इक्वल करके एवरेज निकालनी है आपको, तो आपने यहाँ पे सीधा लिखा सी एच ई, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दीजिए, ये देखिए। तो इस तरह से पूरा डिफाइंड नेम ब्लॉक है इसका हम यूज करते हैं। एक बार मैं थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ जल्दी जल्दी आपको। डिफाइन नेम से एक एक करके हम ऐड करेंगे, नेम्स जो होगा मतलब जो भी हम रेंज सेलेक्ट करेंगे उसको हम डिफाइन नेम से एक नेम से ऐड कर देंगे और उस नेम से हम उसको फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूले में आप जाओगे, इक्वल करके जो भी फॉर्मूला लगाओगे, या तो डायरेक्ट आप कॉलम का नेम लिख दीजिए या यूज इन फॉर्मूला में जाके जो आपने ऐड किए हुए हैं उनमें से सिलेक्ट करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपको एक बार में सारे क्रिएट करने हैं तो रेंज सेलेक्ट करके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको चेंज करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है तो नेम मैनेजर इसके काम में आप ला सकते हो। दोस्तों अगर आपको इस ऑप्शन को यूज करने में कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर आप मुझे लिखिए दोस्तों, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।